श्रीमद ओम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और आपको बताएंगे गणपति के चार मूर्तियों के बारे में जो आपकी हर कामना को पूरी करती है और से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है अगर आप इनकी पूजा करते हैं। ये मूर्तियां घर में लाने से, पूजा करने से देवी लक्ष्मी सहित सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो उसमें से एक है गोमय देवी, गोमय मतलब गोबर से बनी हुई गणेश मूर्ति। गाय के गोबर यानी गोमय में महालक्ष्मी का वास माना जाता है। यही वजह है कि गोमय से बनी गणेश मूर्ति की पूजा करने से गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। गोबर से गणेश जी की आकृतियां बनाएं और उसकी पूजा करें तो भी चलेगा। उसके बाद लकड़ी से बनी गणेश मूर्ति। कुछ पेड़ होते हैं जो काफी पवित्र माने जाते हैं, उसमें है पीपल, आम, नीम, तो इन सब में देवी देवताओं का वास माना गया है। तो इन पेड़ों की लकड़ी से बनी गणेश मूर्ति को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना चाहिए। इस मूर्ति की रोज पूजा अगर आप करेंगे तो घर के सभी दोष दूर होंगे। फिर श्वेतार्क की गणेश मूर्ति, ये बनी बनाई नहीं होनी चाहिए। ये सफेद आंकड़े की जड़ में गणेश जी की आकृति बन जाती है, इसे श्वेतार्क गणेश कहा जाता है। इस मूर्ति की पूजा से सुख सौभाग्य बढ़ता है। रविवार या पुष्य नक्षत्र में श्वेतार्क गणेश की मूर्ति घर लेकर आए और रोज इसकी पूजा करें। हालांकि आजकल बनी बनाई श्वेतार्क गणेश मिलते हैं। फिर हल्दी की गांठ से बनी गणेश मूर्ति। आपको हल्दी की ऐसी गांठ चुननी है जिसमें श्री गणेश जी की आकृति दिखाई दे रही है। गणेश जी का ध्यान करते हुए इस गांठ की पूजा आपको रोज करनी है। सोने से बनी और हल्दी से बनी गणेश प्रतिमा समान फल प्रदान करती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।